की कमर टूट चुकी है और किसान अब इस सरकार से राहत पाना चाहता है, इसलिए किसान इस देश का इस सरकार को हटाने का मन बना लिया है। उनका इरादा केवल देश में धर्म जाति लड़ा करके, गोलबंदी करके, धोखाधड़ी से सत्ता चलाना। बदलाव की बिहार चल रही है, इंडिया गठबंधन जो सरकार बनाने जा रही है सरकार बनाएगी। की जनता जो है नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट देती है, आप बताइए जुमलेबाजी की सरकार चल रही है। जी नमस्कार, आज हम बस्ती जनपद में हैं, यहाँ जनता से रूबरू होंगे और यहाँ जानेंगे हमारे न्यूज वर्ल्ड चैनल के प्रोग्राम में किस्सा कुर्सी का। जिस तरीके से देखा जाए लगातार लोगों से बात की जा रही है और हम यहाँ बस्ती जनपद में आज जानेंगे अब की बार क्या करेंगे आप लोग। 2024 का लोकसभा चुनाव है, ये बस्ती जनपद का चुनाव है। देखिए इसमें अब की बार यहाँ के जो है भाजपा से लगातार दो बार के सांसद हरीश द्विवेदी हैं और इसके पहले भी राम प्रसाद चौधरी जो कि सभा कैंडिडेट गठबंधन के कैंडिडेट डेट है वो चुनाव लड़ रहे हैं और जो कि बसपा से लवकुश पटेल हैं। तो कहीं ना कहीं लगातार देखा जाए चुनाव की सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं और मैं आज ये बस्ती जनपद के में लोगों से जानेंगे यहां पर आखिर बस्ती में क्या चर्चाएं हैं, क्या है अब की बार। देखिए अब की बार मुख्य रूप से इस बार का चुनाव दो विचारों पर हो रहा है, एक तरफ नफरत का विचार है और एक तरफ प्रेम और भाईचारे का विचार है। एक तरफ लोकतंत्र और संविधान खत्म करने वाले लोग हैं और एक तरफ लोकतंत्र और संविधान को बचाने वाले लोग हैं। ऐसी स्थिति में हम आपको बता रहे हैं कि ये चुनाव इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच हो रहा है, जिसमें एनडीए गठबंधन वर्तमान में 10 सालों से सरकार चला रही है और इनके 10 सालों के सरकार में जनता पूरी तरह से त्रस्त हो चुकी है। जनता त्रस्त इसलिए हो चुकी है कि ये सरकार ना तो किसानों की सुध लेने का काम किया, ना नौजवानों का सुध लेने का काम किया और ना महिलाओं का सुध लेने का काम किया और ना ही आम जनमानस का कोई सुध लिया। इसलिए आम जनमानस इस सरकार से त्रस्त हो चुकी है पूरी तरह से। किसान परेशान है इसलिए कि चूँकि पहली बार किसी सरकार ने किसानों के ऊपर टैक्स लगाया, आज खाद बीज पर टैक्स, कृषि यंत्रों पर टैक्स, कीटनाशक दवाओं पर टैक्स और टैक्स के वजह से कृषि में उपयोग होने वाली सारी वस्तुएं महंगी हो गई, जिससे किसान तबाह हो चुका है, किसानों की कमर टूट चुकी है और किसान अब इस सरकार से राहत पाना चाहता है, इसलिए किसान इस देश का इस सरकार को हटाने का मन बना लिया है। वही हाल नौजवान का है, नौजवान इस देश का बेरोजगारी से त्रस्त है। हमारा प्रधानमंत्री कहता है कि अगर पढ़ने लिखने के बाद हायर एजुकेशन हासिल करने के बाद अगर नौकरियां नहीं मिल रही हैं तो नौजवान पकौड़ा बेचे। अब आप बताइए कि अगर देश का हर नौजवान पकौड़ा बेचना शुरू कर देगा तो पकौड़ा खाने वाला कहाँ से आएगा, सवाल ये भी तो उठता है। भाजपा कहती है कि 400 पार का नारा दिया है, हम जानते हैं कि आखिर वो 400 पार नारा पर आप क्या कहेंगे। देखिए भाजपा ने 400 पार का नारा दिया है लेकिन उसका यह नारा उल्टा पड़ गया है। अब यह नारा इंडिया गठबंधन पर सटीक जा रहा है क्योंकि जनता ने तो इंडिया गठबंधन को 400 पार कराने का मन बना लिया है और जनता ने जब मन बना लिया है तो अब ये जानिए कि इंडिया गठबंधन 400 पार करने जा रही है और एनडीए गठबंधन 140 के नीचे रहने वाली है। 140 पार करने वाले भाजपा और भाजपा समर्थित लोग 140 भी पार नहीं कर पाएंगे, ये एकदम क्लियर है। देखिए राजस्थान में जहाँ इनकी 24 की 24 सीटें थी, आज ये राजस्थान में आधी से अधिक सीटें नहीं जीत पाएंगे, वहाँ भी ये घट रहे हैं। कर्नाटक में भी इनकी स्थिति खराब है, वहाँ भी ये घट रहे हैं। पंजाब में इनको एक भी सीट मिलने वाली नहीं है। मध्य प्रदेश में भी इनकी सीटें घट रही हैं, महाराष्ट्र में इनकी सीटें घट रही हैं, बिहार में भी इनकी सीटें घट रही है, आपके यूपी में भी इनकी सीटें घट रही हैं। ऐसी स्थिति में 400 पार जाएंगे कहाँ से, यह बात मेरी समझ में नहीं आती। हमको तो जो समझ आता है इसकी बात करते हैं कि हमने विकास बहुत किया, आपके इस बस्ती जनपद में लगातार 10 साल से सांसद हैं भाजपा के, उनका विकास क्या है आपके यहाँ, जैसे मूलभूत सुविधाएं हैं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, इन सब चीज़ों पर आप लोग किस नज़र से देखते हैं, क्या बस्ती में कितना विकास हुआ, फैक्ट्रियां जो थी आखिर में क्या मतलब फैक्ट्रियां चल रही हैं, अब की बार क्या सोच रहे हैं आप। देखिए बस्ती के विकास का जहाँ तक सवाल है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में 10 साल में माननीय सांसद हरीश द्विवेदी जी ने
कुछ नहीं किया। हमारे जनपद में ना तो गैस्ट्रो का कोई डॉक्टर है, ना न्यूरो का कोई डॉक्टर है, और ना ही हार्ट का कोई डॉक्टर है, और ना ही किडनी का कोई डॉक्टर है। जिन महत्वपूर्ण रोगों से जनता रूबरू होती है, जिससे जान का खतरा होता है, उनके लिए कोई डॉक्टर बस्ती जनपद में चार चार सरकारी हॉस्पिटल हैं, लेकिन एक भी गैस्ट्रो का स्पेशलिस्ट नहीं है, ना एक भी किडनी का स्पेशलिस्ट है, ना हार्ट स्पेशलिस्ट है, ना न्यूरो स्पेशलिस्ट है। ऐसी स्थिति में भाजपा के ही एक नेता शांतिभूषण मिश्रा, जिनको हार्ट अटैक आया और बस्ती में डॉक्टर उपलब्ध न होने की वजह से उनकी मौत हो जाती है। हाँ हाँ, तो अब आप सोचिए, ऐसी स्थिति में सांसद जी ने 10 सालों में 4 डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं करा पाई, न ही सदन में इन्होंने कभी आवाज़ उठाया कि हमारे जनपद में न्यूरो हार्ट किडनी गैस्ट्रो के डॉक्टर नहीं हैं और हमारे जनपद में डॉक्टरों की नियुक्ति ज़रूरी है। अगर इन्होंने आवाज़ भी उठाया होता तो भी मैं कहता इन्होंने कुछ किया, कुछ नहीं किया। और रही बात सड़कों की, आप पूरे ज़िले में घूम करके देख लीजिए, ग्रामीण क्षेत्रों की 90% सड़कों की हालत खस्ती है, पैदल चलना दूभर है, मोटरसाइकिल से चलना दूभर है। आप यहीं चले जाइए, शहर में आप हैं, आप चले जाइए दक्षिण दरवाज़ा से रेलवे स्टेशन की सड़क पर, आप मोटरसाइकिल से नहीं चल पाएंगे। अगर आप मोटरसाइकिल से जाते हैं तो आपके कमर में लोच आ जाएगा और आपका कमर दर्द करना शुरू कर देगा। आप यहीं कटरा पानी टंकी से रोड भेज चले जाइए, आप मोटरसाइकिल से जाइए, अगर आपके कमर में दर्द न शुरू हो जाए तो फिर आप कहिए। अब यही तो है इनका विकास, और इस विकास पर जनता इन्हें कैसे वोट दे दे। जनता अब इनको हटाने का मन मना ली है। अब आप ये मान करके चलिए कि माननीय सांसद हरीश द्विवेदी जी कम से कम 1.5 लाख मतों से चुनाव हारेंगे, इसमें कहीं दो राय नहीं है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार माननीय राम प्रसाद चौधरी को हर वर्ग का वोट मिल रहा है, उन्हें हर जाति हर समुदाय का वोट मिल रहा है, इसलिए उनकी जीत सुनिश्चित है। तो देखिए, इस तरीके से लगातार जिस तरीके से यहाँ पर कह रहे हैं विकास के नाम की, मतलब कोई चीज़ बता रहे हैं कि इस तरीके से विकास नहीं हुआ। मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर जैसे गन्ना का एक हब माना जाता है बस्ती सेंटर, बस्ती में गन्ने की जो फैक्ट्रियाँ थी, कितनी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, कैसे क्या कहेंगे उस पर? देखिए, बस्ती में कुल गन्ने की 3 फैक्ट्रियाँ थी, एक मुंडेरमा चीनी मिल थी, एक बस्ती चीनी मिल थी और एक वाल्टरगंज चीनी मिल थी, जिसमें जब सन 2014 में लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो हमारे वर्तमान माननीय सांसद हरीश द्विवेदी जी ने जनता के बीच यह वादा किया था, हर मंच से चिल्ला चिल्ला कर ये कहते थे कि अगर हम जीत के गए और हमारी सरकार बनी तो हम वाल्टरगंज और बस्ती शुगर मिल को चालू कराने का काम करेंगे। लेकिन कभी भी इन्होंने बस्ती में शुगर मिल या क्वार्टरगंज शुगर मिल को चालू कराने को लेकर के इन्होंने सदन में कोई आवाज़ नहीं उठाया, ना ही मिल को चलाने का कोई प्रयास किया। इसलिए किसान इनसे सख्त नाराज है, और किसान को ये पता चल चुका है कि यह किसानों का नेता नहीं हो सकता, किसानों का हमदर्द नहीं हो सकता, और किसानों का कोई काम नहीं कर सकता। ऐसी हालत में इस जिले का किसान इंडिया गठबंधन के पक्ष में मतदान करने का मन बना लिया है। क्या होगा आपकी बार, बस्ती में बदलाव होगा? निश्चित रूप से बदलाव होगा, और बदलाव क्या है, यह चुनाव एक तरफा हो चुका है। मैं आपको बता दूंगा, आपने पिछले दिनों नगर पालिका का चुनाव देखा होगा, एक तरफ अंकुर वर्मा लड़ रहे थे और एक तरफ अनूप खरे जी लड़ रहे थे। अनूप खरे का जो हाल रहा, वो हाल हरीश द्विवेदी जी का होने वाला है, और जो हाल अंकुर वर्मा का रहा, वही हाल लोकसभा में राम प्रसाद चौधरी जी का होने वाला है। कोई लड़ाई ही नहीं है, लड़ाई से बाहर हो चुके हैं माननीय। आगे हम चलते हैं, हमारे साथ और कुछ लोग हैं, हम आपसे जानना चाहते हैं, अब की बार लोकसभा चुनाव बस्ती में जिस तरीके से देखा जाए, तो तमाम चीज़ें, अभी आपने कहा कि जो है यहाँ विकास के नाम पर इस तरीके से हो रहा है, हम आपसे जानना चाहते हैं क्या होगा 2024 का लोकसभा का चुनाव, क्या कहेंगे? लोकसभा चुनाव 2024 का, ये देश का बड़ा चुनाव है। इस चुनाव, भारत कृषि प्रधान देश है, इसकी श्रम शक्ति का अपमान किया है। श्रम शक्ति के मामले में प्रधानमंत्री ने देश को रोजगार नहीं दिया, देश के किसानों का ख्याल नहीं किया,
महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित नहीं किया और देश की अर्थव्यवस्था को चंद पूंजीपतियों के हाथ मालामाल किया, देश को कंगाल कर दिया। गरीबी अमीरी बढ़ी है। इस ऐसे तमाम मुद्दों पर लेकर के सार्वजनिक संपत्तियां बेचा इन्होंने, देश की सीमाएं असुरक्षित हैं, देश का सर्वांगीण विकास करने के प्रति इनकी कोई इरादा नहीं रहा। इनका इरादा केवल देश में धर्म जाति लड़ा करके, गोलबंदी करके, धोखाधड़ी से सत्ता चलाना और अपने विपक्ष के लोगों को झूठे मनगढ़ंत मुकदमों में फंसाना। इसलिए देश की आम जनता, भारत की जनता इनके इस साजिश को नाकाम करने के लिए अब इंडिया गठबंधन की तरफ चल पड़ी है और मुझे उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। क्या कहेंगे बस्ती में, जैसे लगातार 10 साल से सांसद हरीश द्विवेदी जी हैं, उनके अपने विकास तो वो तमाम विकास उन्होंने बताते हैं कि हमने ये विकास किया, सड़क बनवाया। आपके स्तर से क्या है, जैसे यहाँ रोजगार के नाम पर क्या है, शिक्षा के नाम पर क्या है, स्वास्थ्य के नाम पर क्या है, और यहाँ इंडिया अलायंस के जो है प्रत्याशी राम प्रसाद चौधरी जी हैं, तो इन दोनों में जैसे क्या मानते हैं आप, क्या लड़ाई है, क्या रहेगी? देखिए, बस्ती का विकास जो सरकार की नियमित ब्रीफिंग है, जो सरकार का नियमित कार्य योजना है, वो तो चल ही रहा है, लेकिन वो विकास की रफ्तार बहुत धीमी है, रफ्तार बहुत धीमी है, इसलिए सांसद खड़े नहीं उतर पाए। इसलिए यहाँ की जनता का रुझान अब इनके विपरीत है। क्या होगा आपकी बार बस्ती में? बस्ती में बदलाव होगा। बस्ती, खलील संत कबीर नगर, सिद्धार्थ मंडल की तीनों सीट महागठबंधन जीत रहा है हमारे देखने से। देखिए, जिस तरीके से लोगों में विकास की नज़र जो है, विकास की बात जो बात करते थे, सरकार करती है, यहाँ के सांसद करते हैं, लेकिन पब्लिक में जिस तरीके से उनका रवैया आ रहा है कि विकास के नाम पर कुछ नहीं देखा जाए, कहीं ना कहीं खाली छिटपुट अपना विकास लोग करते हैं। फिलहाल हम फिर जानना चाहते हैं आपसे कि आप क्या कहेंगे, बस्ती में अब की बार क्या होने वाला है 2024 के लोकसभा चुनाव में, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, मैं गाधी अनिल तिवारी, बस्ती जनपद के लोग हमको जानते हैं, गांधीवादी विचारधारा का हूँ। मैं ये जानता हूँ कि इस बार गांधी की विचारधारा के लोग जीतेंगे और गोडसे की विचारधारा के लोग हारेंगे। रहा सवाल विकास की, तो पूरी जनता देख रही है विकास कितना हुआ है, क्या नहीं हुआ है, किसी से कुछ छिपा नहीं है। सब लोग जानते हैं कि विकास के नाम पर जीरो है, एक भी पैसे का काम कहीं नहीं हुआ है, एक मिट्टी गोली भी नहीं कहीं पड़ा है रोड़ी भी पूरे शहर में, पूरे ज़िले में। उसके आगे अगर लोग, जनता बदलाव नहीं करती है, बदलाव नहीं अगर कर पाई, तो यह जो है बस्ती ज़िले की जो है सबसे बड़ी भूल होगी। क्या मानते हैं, जैसे यहाँ पर 10 साल से भाजपा के सांसद हैं और वहीं इसके बाद आपकी इंडिया अलायंस से राम प्रसाद चौधरी जो है सिर्फ चुनाव लड़ रहे हैं और फिर बसपा से भी हैं, टिकट मिला है लोकेश पटेल को भी, क्या मानते हैं कहीं चौधरी का ये इफेक्ट, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा? हमको तो ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि जनता होशियार है, जान रही है जो है कि राम प्रसाद चौधरी लीड कर रहे हैं, तो वो अपने मत को ख़राब नहीं करेंगे, एक तरफा वोट पड़ेगा। हाल ही बसपा से कैंडिडेट थे दयाशंकर मिश्रा, जो कि उनका टिकट कट गया, इसको लेकर के तमाम जो है चर्चाएं चल रही हैं कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो कहीं कुछ वोट बैलेंसिंग उधर भाग सकती है, कि उनके कैंडिडेट आने से जो है, कहीं चौधरी कैंडिडेट आने से कहीं का वोट जो है खिसक तो नहीं सकता है, क्या कहेंगे? 2-4% वोट इधर उधर हमेशा होते रहे हैं, वो होते हैं, उसमें जो है बहुत ज़्यादा टीका टिप्पणी करना जो है उचित नहीं है, कौन कहाँ जा रहा है, कौन कहाँ नहीं जा रहा है। लेकिन अगर दयाशंकर मिश्रा जी वापस फिर सपा में आ भी गए हैं, जो तो फर्क नहीं पड़ेगा जनता में, यह है कि जो उनके साथ थे वो सपा के साथ रहेंगे। क्या होगा आपकी बात? बदलाव है, बदलाव की बयार चल रही है, बदलाव की बयार चल रही है। इंडिया गठबंधन जो सरकार बनाने जा रही है, सरकार बनाएगी राहुल जी के नेतृत्व में, और मैं समझता हूँ कि पूरे यूपी में 12 सीट से ज़्यादा बीजेपी को नहीं मिलने वाली है। देखिए, लगातार जो है जिस तरीके से यहाँ विकास की चीज़ों को लेकर के लोगों में काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है, और हमारे साथ
ये हम इनसे भी जानते हैं, ये रोजगार भी करते हैं। अरे आप पढ़े लिखे नौजवान हैं और देखते हैं देखने में स्मार्ट लग रहे हैं, और उसके बाद कह रहे हैं कि क्या कहें, तो कुछ तो अपनी बात रखनी चाहिए क्योंकि आप भी जो है मतदाता हैं, इस देश के नागरिक हैं, क्या कहेंगे? चुनाव तो सरकार तो मोदी की ही बनेगी, और ये जो इंडिया गठबंधन वाले हैं ये तो एक मतलब इकट्ठा हो करके अपना जो है वो बचा रहे हैं कि कहीं अगर सरकार बन गई फिर मोदी की तो हम लोगों को जो है बहुत बुरा हाल हो जाएगा। इसलिए जो है सब लोग इकट्ठा हुए हैं और ऐसा कुछ होने वाला नहीं है इकट्ठा होने। भाजपा में भी जो है 35 या 37 जो पार्टियों का गठबंधन है, और इसके पहले भी 10 साल से लगातार वो उनकी सरकार भी है, ठीक है, 10 सालों में भी लोगों को ऐसा डर नहीं लगा अभी तक? नहीं, इसमें नहीं कुछ ऐसा है ना, इसलिए जो है सरकार मतलब मोदी की ही बनेगी और बाकी सब ये जो है मतलब कोई लोग तमाम चीज़ें हैं कि महंगाई है, भ्रष्टाचार है, और तमाम ऐसे विकास के मुद्दे को लेकर कहते हैं कि प्रधानमंत्री बहुत झूठ बोलते हैं, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है, बाकी जो झूठ बोलने वाले वही लोग कहते हैं ना कि झूठ बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। डेवलपमेंट देखा जाए तो आज रोड का जो डेवलपमेंट हुआ है वो 10 साल के पहले कहाँ था, मतलब हम लोग ऐसे क्षेत्र में थे, गाँव से मिलान करते हैं हम लोग देहात से, जहाँ जाने में बस्ती से कम 1.5 घंटा लगता था। कितना विकास हुआ बस्ती? विकास तो रोड का विकास बहुत ज़्यादा हुआ, मेडिकल कॉलेज बना बस्ती में, मतलब बना बहुत कुछ विकास हुआ। इसके पहले क्या था बस्ती में? कुछ था? कुछ नहीं था। कहते हैं मेडिकल कॉलेज तो पहले पिछली सरकार ने लाया था, ठीक है, इसमें जो है उसका उद्घाटन हो चुका था। तो लाया था या कौन क्या किया था, लेकिन बना और चालू हुआ बीजेपी ही गवर्नमेंट में। तो ये इस तरीके से इनका भी मानना है कि जो है हमारे आप जो है इस तरीके से, हम आपसे जानना चाहते हैं हमारे गठबंधन बनेगा क्यों? क्यों बनेगा? वो गलती काम किए सरकार बनेगा राहुल का अखिलेश का। हाँ, एकदम कुल सीट मुंछड़ी। कितना विकास हुआ है बस्ती में? विकास का कहीं हुआ, अखिलेश के केहल कुछ काम 3-5 के हैं। क्यों यहाँ लगातार 10 साल से सांसद हरीश द्विवेदी जी हैं, भाजपा के सांसद हैं, उन्होंने उनका भी चुनाव धव्या पाठ खेले। हाँ, आज पता चल तो वहीं लाहन खरीद के मनाई। आते हैं, हम तो बहुत विकास किए, सड़क बनवा दिए, स्वास्थ्य शिक्षा जो है, हॉस्पिटल की बात करते हैं कुछ न कुछ। हम और कुछ लोगों से जानना चाहेंगे कि आखिर में युवा और बेरोजगार जिस तरीके से हमारे युवा हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से ये भाजपा की सरकार बस्ती में लगातार 10 साल से भाजपा के सांसद रहे, अब की बार क्या होने वाला है बस्ती में? अब निर्णायक फैसला जनता लेगी सर, बाकी तो कुछ कहना है नहीं, जनता जान रही कि 10 सालों में इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, बाकी रही बात 4 तारीख को सामने आ जाएगा, उससे ज़्यादा कुछ कहेंगे नहीं। बेरोजगारी और स्वास्थ्य शिक्षा और विकास की बात किया जाए तो सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन मूलभूत सुविधाओं को लेकर के जनता में यहाँ बस्ती में क्या हुआ अभी? स्वास्थ्य और शिक्षा के बारे में कोई सुझ नहीं लिया इन्होंने, बाकी रोड और जो भी कार्य हुए हैं आपके सामने हैं, बाकी जो ज़रूरी है समाज में उस पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया है। रोजगार को लेकर क्या कहेंगे? रोजगार सर क्या बता दें, रोजगार के मामले में भी ये पीछे हैं, रोजगार के मामले में कुछ नहीं किया इन्होंने सर। लगातार जो सरकार ये वादा कर रही है कि 400 पार भाजपा कह रही है, नारा दे रहे हैं, इस नारे पर क्या कहेंगे? हमें कहने की जरूरत नहीं सर, समझ छा जाएगा, 4 तारीख बहुत दूर नहीं है, हमें बताने की जरूरत नहीं है। और कुछ लोगों से फिर हम जानना चाहते हैं बस्ती जनपद के बारे में कि बस्ती जनपद, ये जो लोकसभा का चुनाव इस समय काफ़ी जो है, जो मौसम देखा जाए कि लोकसभा चुनाव अपनी चरम सीमा पे आ चुका है, लगातार नेताओं की जनसभाएं हो रही हैं, जनता से वादे किए जा रहे हैं, और वादा ही करके जो है भाजपा की 10 साल की सरकार भी रही है कि गरीबी हटाएंगे और लोगों को भ्रष्टाचार ख़त्म करेंगे, तो आज ही लगातार हम ये जानना चाहते हैं बस्ती में आखिर कितना विकास हुआ है, बस्ती के लोगों से जानना चाहते हैं क्या कहेंगे कि जो भाजपा ने नारा दिया है 400 पार का, और बस्ती के मूलभूत सुविधाओं के बारे में क्या होगा अब की बार बस्ती में? बस्ती में इस बार पूरी तरीके से जनता 2 गुटों में बटी हुई है, एक तो इस निकम्मी सरकार प्रदेश और देश की निकम्मी सरकार से निजात पा लेना चाहती है, और एक ऐसी जो विकास के रास्ते पर देश को ले जाने वाली सरकार को दे सकते हैं, तो जो गठबंधन की सरकार है उसके खिलाफ और उसके समर्थन में जनता बिल्कुल एकजुट है और इस बार उन्हीं को वोट देने की तैयार है। क्यों?
इसलिए कि देश में बेरोजगारी, महंगाई और चिकित्सा, खासकर बस्ती ज़िले की बात करें तो बस्ती ज़िले में बेरोजगारी, बस्ती की दो चीनी मिले थी उसको इन्हीं के शासनकाल में बंद कर दिया गया, अस्पतालों के हालात बहुत ख़राब हैं, एडुकेशन बहुत ख़राब स्थिति में पहुंच गया है, हमारे मसाइल केवल 5 किलो अनाज से नहीं तय होंगे, हमारे मसाइल तय होंगे कि बेरोजगारी कम हो, भ्रष्टाचार ख़त्म हो, चिकित्सा की सुविधाएं हो और एजुकेशन दिया जाए, इसी से हमारे मसले हल होंगे। अगर हमें सरकार कह दे कि हम आपको जनरेशन टू जनरेशन 5 किलो अनाज देंगे तो क्या हम अपने बेटे को भी 5 किलो अनाज पर लगा दें और अपने पोते को भी 5 किलो अनाज पर लगा दें? देश का विकास तभी हो सकता है जब बाबा साहब ने जो बताया कि देश का अंतिम व्यक्ति जब एजुकेशन प्राप्त करेगा तो वो अपना विकास कर सकता है। तो देश में एजुकेशन की ज़रूरत है, जो केवल बिल्डिंग खड़ी कर देने से नहीं होगा। आप मेडिकल कॉलेज चले जाइए, जैसे ही वहाँ मरीज पहुँचता है वो तुरंत लखनऊ और गोरखपुर रेफर कर देते हैं। तो यहाँ की सुविधाएँ क्या है, यहाँ के मेडिकल कॉलेज में क्या है? केवल अस्पताल खड़ा कर देने से नहीं होगा, वहाँ सुविधाएँ और विशेषज्ञ देने से और वहाँ इंस्ट्रूमेंट देने से होगा। इसलिए आज इस सरकार को बदल देने के हालात आ गए हैं। और मैं तो तमाम दलित बस्तियों में गया हूँ, दलित बस्तियों की महिलाओं से मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि भैया आपकी बार तो ये हालात हैं कि संविधान का कुछ खतरा है। हमने कहा हाँ, संविधान में कुछ मामला चल रहा है। कहन और ये गठबंधन की सरकार, राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि हर महीने 8,500 खटाखट खाते में जाएगा, तो इसलिए हम लोग इस बार गठबंधन को वोट देने के लिए तैयार हैं, इसीलिए सरकार बदलना है। बस्ती में किसकी सरकार होगी, क्या मानते हैं? बस्ती में गठबंधन की सरकार, गठबंधन राम प्रसाद चौधरी। यहाँ राम प्रसाद चौधरी और हरीश द्विवेदी की बात नहीं है, यहाँ बात है कि निकम्मी सरकार को बदलना है केंद्र से या एक अच्छी सरकार को लाना है, इसी मुद्दे पर चुनाव हो रहा है। और भी लोग हमारे साथ हैं, हम आपसे भी जानना चाहते हैं क्या होगा बस्ती में अब की बार? बस्ती में एकदम बदलाव हो रहा है। क्यों होगा बदलाव? विकास के नाम पर, बेरोजगारी के नाम पर, महंगाई के नाम पर जनता त्रस्त हो चुकी है। जनता इंडिया गठबंधन को बहुमत बड़े बहुमत से जिताने की तैयारी कर चुका है। बस्ती में लगातार भाजपा के 10 साल के सांसद हैं हरीश द्विवेदी जी, उन्होंने कितना विकास अभी तक किया है, क्या मानते हैं कि अब की बार फिर वो चुनाव में उन पर भरोसा जताया भाजपा ने? और इंडिया अलायंस में जो कि राम प्रसाद चौधरी हैं वो बसपा से भी कैंडिडेट हैं, क्या मानते हैं तीनों इस तरह के, क्या टक्कर है किसी में? यहाँ के सांसद कह रहे हैं यहाँ की जनता जो है नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट देती है। आप बताइए, जुमलेबाजी की सरकार चल रही है, जितना भी जुमला इन्होंने फेंका भाजपा के लोगों ने, भाई 15 लाख हर जनता हर खाते में 15 लाख देने के लिए, बेरोजगारी ख़त्म करने के लिए, महंगाई ख़त्म करने के लिए, सब जुमला साबित हुआ। और ये मंदिर मस्जिद के अलावा और कोई मुद्दा इनके पास है ही नहीं है। इंडिया गठबंधन माननीय राहुल गांधी ने 8,500 रुपये हर महिलाओं को देने के लिए हर महीने हर खाते में खटाखट जाएगा और 25 लाख रुपए इलाज के लिए देने के लिए तैयारी किया, 10 किलो गल्ला देंगे और कृषि पर जो लोन है उसको माफ़ करने के 400 पार का नारा दिया है। ये तो इन्होंने क्या कहेंगे, ये जुमला है 400 पार तो जुमला है। और कांग्रेस पार्टी से घबराए हुए हैं, इंडिया गठबंधन के लोग एकदम मुस्तैदी से लगे हुए हैं और भाजपा बड़ी बुरी तरीके से हार रही है। ये सिर्फ जुमला फेंक रहे हैं, जुमला अब जनता जुमला पर आने वाली नहीं है। साफ तौर पर ये पता चल रहा है बस्ती जनपद में कि इनके अंदर जिस तरीके से जानकारी हो रही कि बस्ती में भी जो है जुमला ही चला है, और जिस तरीके से जो लगा कह रहे हैं कि भाजपा जिस तरीके जुमले की सरकार थी, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए कुछ लोगों में ये भी है कि कुछ काम भी हुए हैं, ऐसा नहीं है। तो बस्ती जनपद में हम जो कुछ रोजगारों के बारे में भी जानना चाहते हैं, रोजगार पर क्या कहेंगे? हरीश द्विवेदी जी, कहीं कोई ऐसा ना देखिए, यहाँ शुगर मिल बंद पड़ी है, 2-2 शुगर मिल अगर एक ही स्टार्ट करा दिए होते, यहाँ के सांसद का ये काम है। लेकिन ये भी वोट मांगते हैं तो नरेंद्र मोदी जी के नाम पर मांगते हैं, अपने देश पर भाई जनता इनको सांसद बनाई है, इनको कुछ काम करके दिखाना चाहिए, कोई मुद्दा इनके पास है ही नहीं है। ये टोटल नरेंद्र मोदी के नाम पर और इंडिया गठबंधन को खाली बदनाम करने के अलावा इनके पास कोई मुद्दा है ही नहीं है। हरीश द्विवेदी जी मुद्दा लेकर क्या हुए किसी क्षेत्र में, इस क्षेत्र में उनको जनता को बताना चाहिए कि हम ये करेंगे, ये मुद्दे पर हम चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। वो पिछला जितना मुद्दा था वो जुमला में ख़त्म हो गया, अब की बार इनके पास खाली मंदिर दिखा रहे हैं, 370 बता रहे हैं, इसके अलावा कोई विकास का मुद्दा है ही नहीं। क्या होगा बस्ती में? बस्ती में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और ये प्रत्याशी बहुत कम से कम 1 लाख वोट से जीतने जा रहा है।
राम प्रसाद जी 1,00,000 वोट से जीतेंगे। साफ तौर पर जाहिर है कि जिस तरीके से लोगों का मानना है, काफ़ी लोगों से जानकारी ली है और लोगों के में है कि कहीं ना कहीं जुमलेबाजी को लेकर के काफ़ी जो लोगों में रोष है, विकास के नाम पर लोगों में रोष है, तो और कहीं कुछ लोगों में देखा जाए तो कुछ लोग मानते हैं कि कुछ काम भी हुआ है, लेकिन मिला जुला के देखा जाए तो कहीं ना कहीं गठबंधन बस्ती जनपद में भारी नज़र आते हुए दिख रहा है कि गठबंधन भारी पड़ रही है। तो इसके लिए बस्ती से न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के लिए भवंदर यादव।